नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 में अनुदेशकों की 17,000 की लड़ाई में एक बार फिर से एक दुखद पहलू हम सबके सामने आया है। एक बार फिर से 17,000 की इस जंग में हमने एक साथी को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, 17,000 मानदेय की लड़ाई लड़ते लड़ते हम एक और साथी को खो चुके हैं। ये घटना बहुत ही दुखद है और समस्त अनुदेशक परिवार इस समय इस दुख भरी लहर को झेल रहा है। मैं इस खबर को आपको पूरा दिखाऊंगा और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक ना करें लेकिन शेयर जरूर करें ताकि ये खबर जो है सब तक पहुंचे और सबको पता चले कि किस तरीके से अनुदेशक जो है 17,000 मानदेय को लेके, अपने अधिकार को लेके, जो उनका खुद का अधिकार है उसको लेके लगातार अपनी जान को गंवा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस घटना को आपको पूरा बता देता हूं। घटना असल में सिद्धार्थनगर की है, जहां पर 35 वर्षीय उदय भान सिंह, जो कि अनुदेशक पद पे कार्यरत हैं, उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। देखिए, इस खबर को आप पूरा पढ़िए। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तिलौरा निवासी 35 वर्षीय अनुदेशक ने मंगलवार को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक का नाम उदय भान पुत्र ब्रज भान था। यह जूनियर हाई स्कूल में अनुदेशक के पद पर तैनात थे। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या के कारण चर्चाओं के मुताबिक विद्यालय में SDI द्वारा निरीक्षण दौरान उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर को गोला बनाना बताया जा रहा है, जिससे वो अवसाद में थे और उसी में आकर उन्होंने इस कदम को उठाया। मिली जानकारी के मुताबिक उदयभान की बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान भी है। सुबह जब उनके घर से दुकान के लिए वो निकल गए थे और दुकान में आकर ही उन्होंने इस घटना को जो है वो अंजाम दिया। यह खबर जैसे ही लोगों को मालूम हुई, उन्होंने उनके दुकान के सामने भीड़ जुटने लगी और इसकी सूचना पाकर मौके पर ही पुलिस पहुंची और बॉडी को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। पीएम हाउस में पहुंच के शिक्षक जिलाध्यक्ष आदित्य शुक्ला सहित दर्जनों अनुदेशक शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी रीता गुप्ता पर विभिन्न धन उगाही का आरोप लगाते हुए बताया कि कृतज्ञों को लेकर कई बार पूर्व BSA से शिकायत भी की गई है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणाम आज यह हुआ कि एक अनुदेशक का जो है पूरा कुंबा ही उजड़ गया। इस अवसर पर पीएम हाउस पर BSA भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच कराई जाएगी और निश्चित तौर पर दोषी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, अब यहां पर इस चीज के दो पहलू आते हैं। पहलू नंबर एक, अनुदेशक 7,000 रुपए की मात्र नौकरी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अल्प मानदेय है और इसमें अपना जीवन यापन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यानी कि आप पहले से ही इनकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। उसके बाद किसी अधिकारी के द्वारा इस तरीके का कोई भी काम करना सच में उनकी मेंटल स्टेज को बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त करेगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज हमने अपने एक अनुदेशक साथी को खो दिया। सरकार के द्वारा तार जो है सरकार से प्रयास करा जा रहा है कि सरकार जो है अनुदेशकों के मानदेय 17,000 का आदेश जल्द से जल्द जारी कर दे, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी का कारण यह हो रहा है कि हम धीरे धीरे अपने अनुदेशक परिवार को कम होते हुए देख रहे हैं। आज मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, आप लोग अंदर से बहुत मजबूत है, 7 साल से लगातार आप इस नौकरी में बने हुए हैं, पूरी ईमानदारी से अपने सभी कर्तव्यों को निभाया है, इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं। क्योंकि देखिए, सिर्फ नौकरी या नौकरी में होने वाली किसी भी घटना से आप अगर अपनी जीवन लीला को इस तरीके से समाप्त कर लेते हैं तो आपके पीछे जो परिवार है उसको कौन संभालेगा? आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माँ बाप, उनका सहारा आप ही हैं। अगर आप ही इस तरीके का कोई काम करेंगे तो फिर उनकी जिंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि वो तो सिर्फ आप ही के सहारे हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो लेकिन उसका ये सोल्यूशन नहीं होता है कि आप अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दें। लेकिन हमारे इस अनुदेशक भाई की जो जान गई है वो बेकार हम लोग बिल्कुल नहीं जाने देंगे और अनुदेशक मानदेय के मुद्दे को बहुत तेजी से उठाएंगे ताकि अनुदेशकों को उनका हक मिल सके। अब मैं यहां पे आपको दो ट्वीट पढ़ के बताता हूं जो इसी न्यूज से संबंधित है। इसके बाद मैं आपको एक और खबर दिखाऊंगा जो अनुदेशक नवीकरण से संबंधित है। देखिए, पहली हमारी जो ट्वीट है वो ब्रजेश यादव जी ने करी है। उन्होंने कहा है, यूपी में अनुदेशक शिक्षकों की मजबूरी का अंदाजा लगाइए। अब वो अपने परिवार को भुखमरी नहीं देख पा रहे हैं, अपने माता पिता की बीमारी के इलाज के अभाव में तड़पते नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके के कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है ब्रजेश यादव जी ने कि अनुदेशकों की स्थिति इस समय बहुत ही दयनीय हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। अब उनके पास जो है अपने परिवार की भुखमरी और अपने माता पिता के इलाज कराने तक के पैसे नहीं है, अपना जीवन यापन करने के पैसे नहीं है, वो किसी भी तरीके का कोई भी दूसरा काम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे
तक का टाइम जो है वो स्कूल में चला जाता है। अगर कोई अनुदेशक 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा है तो आप 1 घंटा आने जाने का मान लीजिए, यानी कि पूरा दिन इसी नौकरी में निकल जाता है। तो साइड में कोई भी काम नहीं किया जा सकता है, यानी कि उनकी टोटल इनकम सिर्फ 7,000 रहेगी चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। अब जो है सरकार अभी भी इस मामले में कोई भी फैसला लेने को तैयार नहीं है। हमारी जो दूसरी ट्वीट है वो राजेश की है और इन्होंने लिखा है, बहुत दुखद, काश आप लोगों की कुछ मदद कर सकते, लेकिन सरकार बनने पर आप लोगों की सैलरी इतनी जरूर होगी कि आप अनुदेशक एक सम्मानपूर्ण जीवन गुजार सकें और नौकरी को स्थायी भी किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई सरकार आए तो आप लोगों को नौकरी जाने का तनाव ना रहे, आप लोग इस तरह के कदम ना उठाएं। राजेश यादव जी ने बिल्कुल सही बात कही है, देखिए कैसी भी परिस्थितियां आ जाए आपको इस तरीके का कदम नहीं उठाना है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सरकार चाहे कोई सी भी हो, अनुदेशक मानदेय 17,000 का जो आदेश है उसको जल्द से जल्द सरकार को जारी कर देना चाहिए और साथ ही साथ जो है वो अनुदेशक नवीकरण की प्रक्रिया को भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखिए ये जो पूरी घटना थी, हमारा जो एक साथी जो है वो अब हमारे बीच में नहीं रहा है, यानी कि हमने अपने अनुदेशक परिवार से एक साथी को और कम होते हुए देखा है, ये बहुत ही दुखद घटना है। फिर से मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी परेशानी आए, कितनी भी परेशानी आए, आप अंदर से इतने मजबूत हैं कि आप उन सभी परिस्थितियों को झेल सकते हैं, इसलिए इस तरीके का कोई भी कदम ना उठाएं, एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोचें। दूसरी हमारी जो खबर है वो अनुदेशक नवीकरण से है और ये खबर सीधे गोरखपुर से है और गोरखपुर में जो है डीएम व बीएसए दोनों को मानना नोटिस जारी किया गया है अनुदेशकों के नवीकरण के संबंध में। ये न्यूज़ पूरी जो आ रही है आप इसको देख लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम गोरखपुर के व बीएसए को अवमानना नोटिस जारी किया है और कहा है कि यदि 1 माह में आदेश का पालन कर हलफनामा नहीं देते हैं तो कोर्ट उन्हें तलब करके अवमानना आरोप नोटिस करेगा। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृश्य अवमानना का केस बनता है। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वी के बिड़ला ने अनुदेशक प्रभु शंकर व 6 की अन्य अवमानना याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने जिलाधिकारी व बीएसए को याचिका को अंशकालिक अनुदेशक पद पर कार्य करने देने तथा मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए थे, जिसकी अवहेलना करने पर यह याचिका दायर की गई थी। याचिकाओं का कहना है कि अंशकालिक अनुदेशक पद पर 8 साल कार्य करने के बाद यह कहते हुए उनका नवीकरण करने से इनकार कर दिया गया है कि स्कूल में 100 बच्चों से कम होने पर के कारण उनकी जरूरत नहीं है। याचिका की नियुक्ति कंप्यूटर कला व शारीरिक शिक्षा कार्य के लिए की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि 100 बच्चे होने पर ही अनुदेशक रखे जाएंगे, इसलिए इनका नवीकरण किया जाए। याचिका लंबित है और इसकी सुनवाई 1 माह बाद होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, देखिए कहीं भी कोई भी नियम नहीं लिखा हुआ है कि अनुदेशक जो है सिर्फ 100 बच्चों के कम होते ही उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके भी जो है बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर जो है अनुदेशकों की नवीकरण की प्रक्रिया को पूरी नहीं किया गया है, उनको जो है जुलाई से लेके आज नवंबर महीना खत्म होने को आ गया है, अभी भी उनका नवीकरण नहीं किया गया है, ये बहुत ही गलत बात है। इस तरीके की जो पूरी ही प्रक्रिया होती है, देखिए पहले ही अनुदेशक इतने अल्प मानदेय में काम करते हुए एक मानसिक पीड़ा को झेल रहे हैं, उस पर इस तरीके का काम होना कि उनकी नवीकरण की प्रक्रिया को ही पूरा नहीं करा जाए, 8 साल इस विभाग को देने के बाद अगर आप उनको एकदम से हटा देते हैं तो वो अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, क्योंकि अब 8 साल जो उनकी जिंदगी के सबसे कीमती थे जिसमें वो कुछ और ऐसी जगह पे अपना भविष्य बना सकते थे वो तो गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब उनको नौकरी से हटा के आप उम्मीद करते हैं वो किसी और जगह काम करे, तो क्या ये पॉसिबल है? ये सारे काम करने से पहले सारे तथ्यों को एक बार सोच लेना चाहिए, क्या केवल 100 बच्चे ऊपर होने पर ही बाकी 99 बच्चों को इस तरीके की शिक्षा लेने का अधिकार है? अगर 100 से कम हो जाते हैं तो बाकी के जितने 99 या 98 बच्चे बचे या उससे कम भी बच्चे हैं 80-90, तो क्या उन्हें अच्छी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? तो फिर इस तरीके की बात करना कि 100 बच्चों से कम होने पे अनुदेशकों का नवीकरण नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल बेकार बात है और अनुदेशकों का नवीकरण हर हाल में कर देना चाहिए, उन्हें इस तरीके की कोई भी उत्पीड़ा नहीं देनी चाहिए। तो देखिए आज हमारे पास ये दोनों खबर थी जो अनुदेशकों के शोषण से संबंधित थी। पहली एक जो खबर थी उसमें हमने अपने एक अनुदेशक साथी को खोया है और दूसरी अनुदेशकों के नवीकरण से संबंधित है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बातें सभी तक पहुंचे और सभी को पता चले कि अनुदेशक किस तरीके की परिस्थितियों को झेल रहे हैं और किस तरीके के पूरे माहौल से गुजर रहे हैं। वीडियो आपको अगर बिल्कुल अच्छी लगी हो या ना लगी हो, लेकिन आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर जरूर करें। धन्यवाद।